न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पिछले दिनों पटना में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ चुका है। हालांकि दो दिन की अगर बात करें तो पिछले दो दिनों में बारिश उस तरीके से नहीं हुई है और यही कारण है कि गंगा का जल स्तर जस का तस है। लेकिन फिर भी गंगा के जल स्तर में इतनी वृद्धि हुई है कि 46.730 जो है वो पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर मौसम विभाग की बात करें या फिर विभागों की बात कर लें तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 47 से 46.73 तक गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ सकता है। हम फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पटना के गंगा नदी की ये तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि जल स्तर किस कदर बढ़ा हुआ है और सीढ़ियों तक, अगर गंगा घाटों की बात करें तो सीढ़ियों तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। देखिए किस तरीके से जल स्तर में वृद्धि हुई है। और अगर बात की जाए कोसी और गंडक या फिर बागमती नदी की तो वहाँ पर कुछ जगहों पर जल स्तर में कमी देखी गई है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहाँ पर जल स्तर में वृद्धि जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में भारी बारिश की वजह से परेशान लोग, और ऐसे में जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है तो अब देखने वाली बात होगी कि कई जगहों पर बांध भी टूट चुके हैं। लेकिन अगर पटना की बात की जाए तो पटना में भी कई जगहों पर जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं कि ये पटना की गंगा की तस्वीरें हैं। गंगा किनारे से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी दियारा क्षेत्र है वहाँ पर क्षेत्रों से किस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो भी उखड़ कर आ चुके हैं। ज़्यादातर अगर गांव की बात कर लें तो गांव में भी पानी घुस चुका है और इस वजह से जितने भी गांव के लोग हैं जो नदी किनारे रहते हैं, जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से वो तबाह हैं। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल दो दिनों से तो बारिश नहीं हुई है और ऐसे में वृद्धि जो है जल स्तर में नहीं हुई है, जस का तस है। लेकिन अगर फिर से मूसलाधार बारिश, जो कि मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि अगर बारिश होती है और तेज़ बारिश होती है, क्योंकि मानसून अभी शुरू ही हुआ है, तो ऐसे में गंगा का जल स्तर कहाँ जाएगा, तो खतरे के निशान से आगे भी बढ़ सकता है गंगा का जल स्तर। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार पानी में वृद्धि देखी जा रही है तो अब देखने वाली बात होगी कि जो बांध है वो फिलहाल सुरक्षित रहते हैं या नहीं, और जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित तरह से रह पाते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।